गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर रोडरेज की घटना के बाद गुंडों की दबंगई का वीडियो वायरल। आधा दर्जन से ज्यादा लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने स्विफ्ट सवार युवकों को सिर्फ इसलिए लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी स्विफ्ट गाड़ी रोड पर चलती अन्य गाड़ी से मामूली टच हो गई। बस उसके बाद रोड पर घूमते इन दबंगों ने स्विफ्ट में सवार दिल्ली के रहने वाले अंकित, आकाश और रोहताश पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसी हमले का वीडियो रोड पर जाते किसी वाहन चालक ने बना वायरल कर दिया। सर, सेक्टर 65 इलाके में होली के दिन सड़क पर एक युवक की बुरी तरह पिटाई की गई, इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और किस वजह से ये घटना सामने आई? इसके संबंध में हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए SHO की टीम ने बेहतर काम करते हुए उसमें शामिल जो 4 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें जो शामिल एक गाड़ी जो दिखाई दे रही थी CCTV फुटेज में करेटा गाड़ी, उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द बाकियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये उस दिन होली को लेके इनकी किसी बात को लेके आपस में कहा सुनी हुई और फिर इस बात को आगे इन्होंने जाके पीछे जाके उसको रोक के उसकी पिटाई की, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसके संबंध में जो जानकारी मिलेंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, कितने आरोपी लगभग इसमें शामिल हैं और गिरफ्तारियां? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इनसे पूछताछ करके डिटेल में और उसमें जो भी लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।